हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज मैं एक और टॉपिक बॉयलर पर्जिंग प्रोसीजर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बॉयलर में पर्जिंग क्यों करते हैं, क्या जरूरत है, व्हाई डू यू पर्ज द बॉयलर बिफोर लाइटअप। अब बॉयलर का जब भी लाइटअप करते हैं तो लाइटअप करने से पहले हम लोग बॉयलर का पर्जिंग करते हैं 5 मिनट 6 मिनट इवन 10 मिनट तक। क्यों पर्जिंग करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर पर्जिंग का परमिशिप क्या है, बॉयलर में पर्जिंग करने के लिए आपको क्या क्या परमिशिप चाहिए, उसका डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बॉयलर पर्जिंग। फ्रेंड्स, पर्जिंग मतलब होता क्या है, क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पर्जिंग। पर्जिंग इज नथिंग बट इट इज ओनली द क्लीनिंग ऑफ द सिस्टम बिफोर टेकिंग इट इनटू ऑपरेशन। मीन्स किसी भी इक्विपमेंट का पर्जिंग मतलब होता है उस सिस्टम का क्लीनिंग करना, ताकि फिर से उसको ऑपरेशन में हम लोग ले सकते हैं। या यू कैन से दैट पर्जिंग इज एक्सकवेंजिंग ऑफ द सिस्टम। मीन्स अब देखिए, ये इस डायग्राम को देखिए, आपको पर्जिंग का क्या सिस्टम है आपको पता चल जाएगा। सपोज दिस इज द बॉयलर फर्नेस, एफडी फैन का एयर आपका बॉयलर के अंदर इनलेट करता है। एफडी फैन मतलब क्या होता है, आपका क्लीन एयर फ्रॉम एटमोस्फेयर, ठीक है। बॉयलर फर्नेस में आपका क्या है, एयर, क्लीन एयर तो है ही, प्लस अनबर्न्ड फ्यूल है, इसको लेके बाहर निकलता है। आउट कौन करता है, आईडी फैन क्या करता है, वो एयर जो एफडी फैन से एयर गया था प्लस फर्नेस के अंदर जो अनबर्न्ड फ्यूल है उस फ्यूल को बाहर निकालता है। मीन्स पर्जिंग मीन्स क्लीनिंग ऑफ द बॉयलर बिफोर टेकिंग द बॉयलर इंटू ऑपरेशन। मीन्स ऑयल गन लेने से पहले आपको बॉयलर का हम लोग पूरा क्लीन करते हैं, जो भी उसके अंदर अनबर्न फ्यूल है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। तो इसी प्रोसेस का नाम होता है पर्जिंग। फ्रेंड्स, हम लोग पर्जिंग करते क्यों, पर्जिंग देखिए, विथ पर्जिंग वी क्लियर ऑफ एनी रेसिडुअल अनबर्न फ्यूल। जो भी रेसिडुअल अनबर्न फ्यूल है, फ्यूल में आपका कोल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, इटसी, सो एज टू अवॉइड फर्नेस एक्सप्लोजन। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू अवॉइड फर्नेस एक्सप्लोजन ड्यू टू सडन बर्निंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल एट द टाइम ऑफ लाइटअप। जल्दी आप सुनते होंगे कि फर्नेस एक्सप्लोइड कर गया, तो जनरली फर्नेस का जो एक्सप्लोडेशन होता है वो आपका एट द टाइम ऑफ लाइटअप ही होता है। मैक्सिमम फर्नेस में जो एक्सप्लोजन होता है वो एट द टाइम ऑफ लाइटअप होता है। क्यों होता है फर्नेस एक्सप्लोजन, फिर से ध्यान दीजिए, ड्यू टू सडन बर्निंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल एट द टाइम ऑफ लाइटअप। लाइटअप के समय ये टाइम क्या होता है, आपका जितना भी अनबर्न फ्यूल था वो एट अ टाइम आपका बर्न कर जाएगा। आपने फ्यूल का सप्लाई तो कम किया था, लेकिन जो आपका बॉयलर के पहले से ही बॉयलर में आपका रेसिड्यूअल अनबर्न फ्यूल पड़ा हुआ था, जैसे ही उसको इनिशियल एनर्जी मिला वो एकाएक जल गया, जैसे ही बर्न किया आपका फर्नेस एक्सप्लॉइट कर जाता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि समटाइम्स द फ्यूल फायर्ड इन द बॉयलर फर्नेस, जो हम लोग बॉयलर फर्नेस में फ्यूल जो फायर करते हैं वह अनबर्न रह जाता है ड्यू टू द लैक ऑफ इग्निशन एनर्जी, एंड दिस अनबर्न फ्यूल इज एक्युमुलेटेड एट द कन्फाइंड स्पेस इन द बॉयलर फर्नेस और अदर एसोसिएट पार्ट ऑफ द बॉयलर। क्या होता है कि जब आप कभी कभी क्या होता है कि आपने फ्यूल फायर किया बॉयलर को, तो वो जो फ्यूल होता है ना वो बर्न नहीं करता है, फ्यूल बर्न नहीं करता है, क्यों, ड्यू टू द लैक ऑफ इग्निशन एनर्जी। और वो जो फ्यूल बर्न होता है वो बॉयलर का जो वाटर वाल होता है उस पर आपका एक्युमुलेटेड हो जाएगा, या और अदर आपका डक्ट में हो सकता है एक्युमुलेटेड हो जाए, एपीएच में एक्युमुलेटेड हो जाए, कहीं भी जहां भी उसको मिला कन्फाइंड स्पेस में एक्युमुलेटेड हो जाता है। द एक्युमुलेशन ऑफ अनबर्न फ्यूल अकर्स फॉर द फॉलोइंग रीजन। जो आपका एक्युमुलेशन ऑफ द फ्यूल बॉयलर के इंटरनल सर्फेस पे जो एक्युमुलेट हो जाता है वो क्यों होता है, फॉर द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट देखिए, मोमेंट्री लॉस ऑफ फ्लेम, आपका मोमेंट्री लॉस ऑफ फ्लेम हो गया, फ्लेम फेल्योर हो गया, तो आपका जो भी उसके अंदर फ्यूल था वो सब क्या हो गया, एक्युमुलेटेड हो जाएगा इनसाइड द फर्नेस और डक्ट में।
सेकेंड है रिपीटेड लाइट ऑफ अटैक विदाउट प्रॉपर पर्सिंग, क्योंकि क्या होता है हम लोग बार बार लाइटअप कर रहे हैं, बार बार गन ले रहे हैं, गन ले रहे हैं, गन तो आ रहा है लेकिन वो आपका क्या हो रहा है बर्न नहीं हो रहा है। तो जो भी ऑयल गन ले रहे हैं आपको क्या होता है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, और हम लोग अगर उसको प्रॉपर पर्सिंग नहीं कर रहे हैं, बार बार रिपीटेड लाइट ऑफ अटेम्प्ट ले रहे हैं, और आपका क्योंकि भी होता है ना कि हम लोग गन लेते हैं और गन जलता नहीं है लेकिन ऑयल तो निकल रहा है, ऑयल जैसे ही निकलता है तो क्या होता है बॉयलर के इनसाइड जो पार्ट होता है उस पर आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा, और जैसे ही आपका किसी अटेम्प्ट में आपने प्रॉपर पर्सिंग नहीं किया और आपका गन आया तो पहले से तो ऑयल पड़ा हुआ था, एकाएक जलेगा और आपका फर्नेस एक्सप्लॉइट कर जाएगा। थर्ड हो सकता है कि कंप्लीट फर्नेस फ्लेम आउट हो गया, कंप्लीट फर्नेस फ्लेम आउट नहीं होता, फ्लेम फेलियर हो गया, तो उस या बॉयलर आपका ट्रिप कर गया किसी रीजन से, तो आपका क्या होगा वहां पे जो भी अनबर्न फ्यूल था जहां भी मिला उसको, क्योंकि आपका आईडीएफ भी सब ट्रिप हो चुका है तो जहां भी मिला वहीं पे वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो एक्यूमुलेशन का मेन रीजन आपका यही है, मोमेंटरी लॉस ऑफ फ्लेम, रिपीटेड लाइट ऑफ अटेम्प्ट विदाउट प्रॉपर पर्जिंग, एंड थर्ड कंप्लीट फर्नेस फ्लेम आउट। एंड व्हेन दिस एक्यूमुलेटेड अनबर्न फ्यूल गेट सफिशियंट इग्निशन एनर्जी इट विल एक्सप्लॉइट इट विल बर्न एंड causes furnace explosion. Generally, it has been seen maximum times that the furnace explosion will occurs at the time of the startup or shutdown or low load operation. Maximum आपका furnace का जो explosion देखा गया है वो आपका startup के time में या shutdown के time में या low load operation के time में आपका exploit करता है. Since major explosion of furnace occurs due to the burning of unburned fuel within first 1 or 2 seconds of the light up, start up समय, means आपके start किए oil गन लिए drum कर गया, boiler exploit कर गया, क्योंकि पहले से पड़ा हुआ था वहां पे एक भी आपका fuel accumulated, जैसे उसको ignition energy मिला, जल गया का एक जला, क्योंकि आपका कोई भी boiler जो होता है एक certain cold flow या आपका certain oil gun के लिए ही design होता है, उससे ज्यादा अगर उसको मिल गया एकाएक जलेगा और आपका एक्सप्लॉइट कर जाता है। इसीलिए जितना भी अनबर्न फ्यूल है उसको पर्जिंग हम लोग करते हैं, उसको क्लीन करते हैं ताकि फिर से हम लोग लाइट अप कर सके। तो फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्यों पर्जिंग करते हैं, टू अवॉइड फर्नेस एक्सप्लोजन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं पर्ज परमिसिव क्या है, हम देखते हैं पर्ज परमिसिव कि पर्ज करने के लिए आपको क्या क्या कंडीशन होना चाहिए जिस कंडीशन के फुलफिल के बाद ही आप उसको पर्ज कर सकते हैं। इसको देखिए, नो बॉयलर ट्रिप, मतलब बॉयलर ट्रिप कंडीशन में नहीं होना चाहिए। बॉयलर का ट्रिपिंग का बहुत सारा कंडीशन है, आपका ड्रम लेवल लो, ड्रम लेवल हाई, फर्नेस प्रेशर हाई, फर्नेस प्रेशर लो, आपका जो बीसीडब्ल्यू पंप जो आपका सर्कुलेटिंग पंप है वो आपका सर्विस में नहीं हो, आपका आईडी फैन ट्रिप हो, एफडी फैन ट्रिप हो, बहुत सारा कंडीशन है, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि एमएफटी बॉयलर ट्रिप मतलब मास्टर फ्यूल ट्रिप, आपका स्कैनर में कोई भी फायरवॉल सेंस नहीं कर रहा हो, तो बहुत सारे कंडीशन है, वो कंडीशन आपका परसिस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब बॉयलर ट्रिप कंडीशन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड है एचओटीवी क्लोज, थर्ड है एलओटीवी क्लोज। देखिए एचओटीवी मतलब क्या होता हैवी ऑयल ट्रिप वाल्व, एंड एलओटीवी मतलब होता है लाइट ऑयल ट्रिप वाल्व। जब आपका बॉयलर ट्रिप करता है तो एचओटीवी या एलओटीवी जो होता है ट्रिप कर जाता है, आफ्टर पर्जिंग आपका ये रीसेट होता है, एमएफटी जब रीसेट होता है तभी आप इसको ओपन करते हैं। तो ये क्या होता है कि आपका जनरली अगर 500 मेगावाट के केस में आपका पांच एलिवेशन में, फाइव एलिवेशन में ऑयल रहता है, ए बी सी डी आपका ई एफ जी एच सारे एलिवेशन में रहता है, तो एपी एलिवेशन जो आपका लोअर एलिवेशन में आपका लाइट ऑयल एंड हैवी ऑयल दोनों रहता है, बाकी जितना भी एलिवेशन है सब में आपका हैवी ऑयल रहता है। लाइट ऑयल इज बर्न्ड बाय द एटमाइजिंग एयर एंड हैवी ऑयल इज बर्न्ड बाय द एटमाइजिंग स्टीम। ठीक है, तो ये जो एचओटीवी आपका क्लोज कंडीशन में होना चाहिए, एलओटीवी आपका क्लोज होना चाहिए, मीन्स ऑयल का फ्लो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑल एच ओ एन वी क्लोज एंड ऑल एल ओ एन वी क्लोज, एक हर कॉर्नर पे टोटल आपका बॉयलर में फोर कॉर्नर से 1, 2, 3 एंड 4, चारों कॉर्नर पे आपका एक ऑयल स्कीड रहता है,
और उसमें आपका एचओएलपी हैवी ऑयल नोजल वाल्व रहता है। चार एक एलिवेशन में आपका चार कॉर्नर है, चारों कॉर्नर पे आपका एचओएनवी रहता है। तो एचओएनवी किसी भी एलिवेशन में ओपन कंडीशन में नहीं होना चाहिए, वो क्लोज होना चाहिए, एचओएनवी क्लोज। और एपी एलिवेशन में आपका क्या एलओएनवी होता है, लाइट ऑयल नोजल वाल्व, ये भी आपका क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। मीन्स एचओटीवी क्लोज, एलओटीवी क्लोज, एचओएनवी क्लोज एंड एलओएनवी क्लोज होना चाहिए। फिर आपका ऑल पीएफएन ऑफ, पीएफएन दोनों पीएफएन आपका ऑफ कंडीशन में होना चाहिए, पीएफएन आपको नहीं चलाना है। ऑल फीडर ऑफ, मील जितना भी मील है सबका फीडर आपका ऑफ होना चाहिए। मीन्स आपको अभी तो पर्ज कर रहे हैं, पर्ज मतलब क्या होता है, अनबर्न फ्यूल को आपको आउट करना है, तो फिर हम लोग फ्यूल क्यों दे, इसलिए ऑल फीडर आपका ऑफ कंडीशन में होना चाहिए। ऑल हॉट एयर गेट क्लोज, मील में आपको बर्निंग करने के लिए हॉट एयर गेट होता है एंड कोल्ड एयर गेट होता है, हॉट एयर डैम्पर एंड कोल्ड एयर डैम्पर भी होता है। तो जितना भी आपका हॉट एयर गेट है वो क्लोज कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि हॉट एयर गेट आपका देखें कोल्ड एयर गेट ओपन हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हॉट एयर गेट से बर्निंग होता है तो ये हॉट एयर गेट आपका क्लोज होना चाहिए। आपको टेम्परेचर बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी भी तरह का कंबसन का आपको रिस्क नहीं लेना है। तो हॉट एयर गेट क्लोज होना चाहिए, ऑल एक्सिलरी डैम्पर मॉड्यूलेटिंग होना चाहिए। देखिए एसएडीसी जो होता है सेकेंडरी एयर डैम्पर कंट्रोल, उसमें आपका डैम्पर्स जो होता है एक्सिलरी एयर डैम्पर, वो आपका मॉड्यूलेटिंग कंडीशन में होना चाहिए और मोर देन 80% आपका ओपन होना चाहिए। आपको किसी भी टाइप का रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, एफडी फैन का पूरा ऊपर हवा आपका फर्नेस में जाना चाहिए। तो एक्चुअली डैम्पर जो है मॉड्यूलेटिंग कंडीशन में होना चाहिए और अप्रोक्सीमेट आपका 100% ये ओपन रहता है। एयर फ्लो ग्रेटर देन 30% एंड लेस देन 40% ऑफ द डिजायर्ड वैल्यू, मींस एयर फ्लो आपका ग्रेटर देन 30% रखिए बट लेस देन 40% होना चाहिए। मींस आपको एयर फ्लो डेली 700 टन पर आवर आप मेंटेन कीजिए पर्जिंग के समय, क्योंकि आपको ज्यादा हवा भी नहीं चाहिए, है ना। आपको एयर फ्लो इतना रखिए ताकि जो भी अनबर्न कार्बन उसके अंदर था, अनबर्न फ्यूल था, उसको आपको पर्ज करना है। आपको मेन पर्पस क्या है कि हवा इतना सफिशियंट हो कि जो भी अनबर्न कार्बन अनबर्न फ्यूल है, चाहे कोल है या ऑयल है, वो आपका पर्ज आउट हो जाए, वो आपका स्कैवेंजिंग हो जाए, निकल जाए। तो इतना सफिशियंट एयर फ्लो होना चाहिए। ऑल स्कैनर नो फ्लेम, देखिए स्कैनर लगा रहता है हर एलिवेशन में, वो आपका फ्लेम स्कैन करता है कि वहां पे सही से बर्निंग हो रहा है कि नहीं, उसके इंटेंसिटी के हिसाब से आपका फ्लेम वेरी करता है। तो फ्लेम में कोई भी स्कैनर में कोई भी फ्लेम दिखना नहीं चाहिए, कोई भी स्कैनर में आपका फ्लेम दिखना नहीं है। फिर आपका एमएफटी डीपीयू नॉट फ्रोजन, मतलब 24 वोल्ट डीसी आपका अवेलेबल कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि डीपीयू में आपका 24 वोल्ट डीसी जाता है और एमएफटी आपका जो एमएफटी का डीपीयू जो है वो फ्रोजन कंडीशन में नहीं होना चाहिए। और एक और लॉजिक अभी नया ऐड किया गया है कि बोफा जो आपका नॉक्स को कंट्रोल करने के लिए आपका बोफा दिया जाता है आपका एसीडीसी के ऊपर, वो भी आपका क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। अगर आपके प्लांट में बोफा है तो बोफा जो चार एलिवेशन है वो चारों एलिवेशन में आपका बोफा जो है वो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो वो आपका एलिवेशन या ए बी सी डी करके नॉमिनक्लेचर रहता है, तो सारा क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। ये सारा कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही आपको पर्ज करना है। फिर आपको पर्ज रेडी करके आएगा, पर्ज रेडी करके आप उसको क्लिक कीजिएगा, फिर आपका पर्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। जनरली पर्जिंग का टाइम 9 से 10 मिनट रखा जाता है ताकि आपको सफिशियंट टाइम देना, आप इस टाइम को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इतना टाइम आप रखें कि आपका अनबर्न कार्बन जो है अनबर्न फ्यूल है वो निकल जाए, पर्ज आउट हो जाए, इतना आपको सफिशियंट टाइम देना है। जब आपका पर्जिंग से पहले आपका एमएफटी जो है ट्रिप कंडीशन में रहता है, जैसे ही आपका पर्जिंग कंप्लीट होता है तो एमएफटी रिले आपका रिसेट हो जाता है, और एक बार एमएफटी रिसेट हो गया देन यू कैन टेक द ऑयल इनटू द बॉयलर फर्नेस। आप ऑयल गन ले सकते हैं, बॉयलर को लाइटअप कर सकते हैं। तो बॉयलर को लाइटअप तभी करना है जब आपका पर्ज परमिसिव हो जाए, पर्जिंग पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए, और एक बार कंप्लीट हो गया उसके बाद एमएफटी आप देखिए रिसेट हुआ कि नहीं, एमएफटी रिसेट हो जाना चाहिए। रिसेट होने के बाद सॉरी उसके बाद आप ऑयल गन ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द पर्जिंग ऑफ द बॉयलर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पर्जिंग क्या चीज होता है, पर्जिंग क्यों जरूरत है, और पर्जिंग करने के लिए आपको क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए।
तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू।